हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि अगर आप एक्सप्रेसो रॉयनेट के साथ काम करते हैं तो उसमें बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉ कैसे करें। जी हां फ्रेंड्स, लाइव दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक एक्सप्रेसो रॉयनेट के साथ नहीं जुड़े हैं और इसका आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम भी वीडियो में बताएंगे कि आप उसका आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा एक्सप्रेसो रॉयनेट का एप्लीकेशन शो कर रहा है। जी हां दोस्तों, यहां से फ्रेंड्स हम इस एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जी हां दोस्तों, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस टाइप से कुछ शो करेगा। जी हां दोस्तों, यहां देखिए एक्सप्रेसो रॉयनेट का ऑफिशियल लोगो शो करेगा। जी हां फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां से हम अपना इसमें आईडी और यहां पासवर्ड डालकर सिंपली लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, हम अपना आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली एक्सप्रेसो रॉयनेट के एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां फ्रेंड्स मेरा नाम शो कर रहा है दोस्तों, यहां दोस्तों मेरा कोड शो कर रहा है, यानी कि दोस्तों जो रिटेलर आईडी का कोड होता है वो शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले कौन कौन बैंक का AEPS मिलता है। जी हां फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें आपको दो बैंक का AEPS मिलेगा। पहला फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, यस बैंक का AEPS मिलेगा दोस्तों, और सेकंड फ्रेंड्स ICICI बैंक का AEPS मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको अभी लाइव मतलब पैसा निकासी करके दिखाने वाले हैं कि इससे आप कैसे पैसा को निकासी करें। उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली दोनों में से किसी भी AEPS पर क्लिक करना होगा। या तो फ्रेंड्स आप यस बैंक AEPS पर क्लिक कर सकते हैं, या फ्रेंड्स ICICI बैंक AEPS पर क्लिक कर जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम ICICI से निकासी करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट ट्रांजेक्शन टाइप। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप निकासी करना चाहते हैं तो कैश विड्रॉ चूज कर लीजिएगा, बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते होंगे तो बैलेंस इंक्वायरी चूज कर लीजिएगा, और मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते होंगे तो मिनी स्टेटमेंट चूज कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहां से आपको लाइव निकासी करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहां से हम कैश विड्रॉ चूज कर लिए। जी हां फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहां दोस्तों आपको डिवाइस चूज कर लेना होगा। जी हां फ्रेंड्स, कि आपके फ़ोन में या फिर सिस्टम में कौन सा डिवाइस सेट कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स मेरे पास मंत्रा है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये मंत्रा पहले से सेट किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, यहां अपना मोबाइल नंबर यहां नाम डाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिए, यहां दोस्तों अपना नाम फिल कर लिए, यहां दोस्तों सिंपली हमको अपना आधार नंबर फिल कर लेना है, यहां दोस्तों अमाउंट फिल करना है कितना निकासी करना है। जी हां फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहां दोस्तों बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि मेरा किस बैंक से हमको पैसा निकासी करना है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। सिंपली जब सारा चीज़ फिल कर लीजिएगा, यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मोबाइल नंबर, नाम, आधार कार्ड नंबर और अमाउंट दोस्तों यहाँ से बैंक सेलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ स्क्रीन वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डिवाइस में लाइट जलेगा, उस पर फ्रेंड आपको सिंपली अपना फिंगर को प्रेस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप यहाँ सबमिट कीजिएगा तो फ्रेंड फिर देखिए आप लोग सामने कुछ नया इंटरफेस खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से फ्रेंड आपको डन करना है, यानी कि क्लोज नहीं करना है फ्रेंड। जैसे ही फ्रेंड आप यहां से डन कीजिएगा तो फ्रेंड आप लोग के सामने थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। जी हां दोस्तों, यहां थोड़ा सा मेरा नेट कनेक्शन स्लो है। तो फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां फ्रेंड ट्रांजेक्शन स्टेटस, यहां फ्रेंड सक्सेसफुली, यहां फ्रेंड्स आपका नाम शो करेगा, यहां देखिए दोस्तों ट्रांजेक्शन टाइप में कैश विड्रॉ, और दोस्तों यहां बैंक शो करेगा, दोस्तों देखिए रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। और देखिए फ्रेंड यहां शो करेगा आपका बैलेंस, यानी कि इतना बैलेंस आपका अकाउंट में बचा है। जी हां फ्रेंड्स, और दोस्तों यहां दोस्तों देख सकते हैं जो आप निकासी किए हैं फ्रेंड्स वो पैसा यहां शो करेगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स उसके बाद आपको सिंपली यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप डन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर ये होम में ले जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको होम में क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहले मेरा वॉलेट में 100 रुपया था फ्रेंड्स, अभी यहाँ फ्रेंड 200 रुपया हो गया है। यानी कि फ्रेंड्स आप जान चुके होंगे कि आप कैसे एक्सप्रेसो रॉयनेट के साथ लाइव कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक एक्सप्रेसो रॉयनेट के साथ नहीं जुड़े हैं और इसका रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जी हां फ्रेंड्स, सबसे कम दाम में बेस्ट सपोर्ट के साथ लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा। जी हां दोस्तों, आपको उसी नंबर पर कॉल करना है या फ्रेंड्स व्हाट्सअप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।